Hi friends, myself Dr. Manoj Kumar Pandey. आज मैं आपको जानवरों में जो गैस संबंधी समस्याएं हो जाती हैं जनरली रुमिनेंट्स में, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं और किस तरीके से हम उसका मैनेजमेंट करें कि इस तरह की समस्या ना होने पाए, क्योंकि एक बहुत ही घातक रोग है और इसकी कंडीशन में या इस जब कभी भी इसका प्रकोप आता है जानवर पे, तो अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी जान बचना या उसको मरना तय है। अगर क्योंकि वो ऐसा पोर्शन होता है बॉडी का, जनरली इन रुमिनेंट एनिमल जो जिन जिसको आप हिंदी में गाय भैंस जो कि आपकी रुमिनेंट्स में आते हैं, जिसके पेट चार भाग में होते हैं, नॉर्मली जो जैसे आपका हॉर्स है, डॉग है, ये सिंपल स्टमक एनिमल्स हैं, इसमें पेट का केवल एक भाग होता है। बट जो रुमिनेंट्स हैं काऊ बफेलो, इनके पेट के चार भाग होते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा जो चैम्बर है वो र्यूमेन कहलाता है, क्योंकि र्यूमेन एक बहुत बड़ा थैला होता है, मतलब उसको बिग चैम्बर कहा जाएगा, जिसमें किण्वन होता है और पूरा भूसा वूसा जो भी आप जानवर खाते हैं वहीं पर उसकी पूरी प्रोसेसिंग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है जनरली, मीन्स न्यूट्रल पीएच में आता है उसकी कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी जानवर या जो हमारा पालतू पशु है कोई भी, जैसे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट उसने ले लिया, या आपने खड़ा गेहूं दाना ज़्यादा खिला दिया, या जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ शादियों में पूड़ी बच गई और चावल बच गया, उन लोगों ने क्या किया, एक साथ एक बल्क में उन लोग खिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक, जैसे कि जनरली मैं आपको लोकेशन बता दूं कि एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है र्यूमेन की इन द एनिमल्स, जो आपका लेफ्ट साइड है, मैं एक फ़ोटो अभी उसमें अभी आपको अपडेट करता हूँ। तो फोटो में जब आप जानवर को देखें, जानवर आपके सामने खड़ा है, मीन्स उसका सिर आपके सामने है, तो आप जब उसको सामने से देखेंगे तो आपके राइट साइड और उसका लेफ्ट साइड जानवर का और आपका सामने से आप देखते हैं तो आपका राइट साइड में जो हाइंड लिम्ब है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ एक ट्रायंगल शेप की कैविटी बनती है, जो र्यूमेन की पोजीशन उसके एरिए को दर्शाता है। तो जब गैस डिस्टेंशन होगा, उसमें गैस भरा होगा, फर्मेंटेशन जो डिस्टर्ब होता है र्यूमेन का, तो उस कंडीशन में वो स्वेल कर जाएगा, फूला हुआ दिखेगा आपको। अच्छा, जब वो स्वेल होता है, फूलता है, तो जाहिर सी बात है कि र्यूमेन जो एक बिग बैग है तो उसका साइज बढ़ा, जब बढ़ा तो वो क्या करता है कि लंग्स पे प्रेशर डालता है, इधर उसने पेट भर के खाया भी है एडलिप जो भी भूसा चारा जो भी मिला है, तो उसका प्रेशर लंग्स पे पड़ता है, वो लंग्स पे प्रेशर पड़ता है तो उसको ब्रीदिंग में इन सब चीज़ में उसको डिस्टर्बेंस होता है जानवर को, और फाइनली ब्रीदिंग में ऐसा भी देखा गया है कि जीभ निकाल के वो सांस लेने लगती है ज़ोर ज़ोर से, उसको मतलब सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि जो र्यूमेन का डिस्टेंशन है बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से वो लंग्स पे प्रेशर डालती है, फाइनली हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये सब सीरियल से हैं, र्यूमेन देन लंग्स देन हार्ट, ये ऐसे प्रेशर डालता आगे की तरफ और फाइनली उसको काफ़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और अगर प्रॉपर टाइमली र्यूमेन को पंक्चर ना किया, जैसे बहुत ज़्यादा गैस है तो र्यूमेन को पंक्चर भी किया जाता है, मोटी नीडल आप लेके 16-18 गॉज 14 गॉज की लेके आप उसको र्यूमेन पंक्चर कर दीजिए, गैस निकाल दीजिए। अच्छा, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट बताऊँ, रेगुलर डिवर्मिंग जानवर को कराते रहना चाहिए, जो हमारे पालतू पशु हैं, हर 3 महीने पे डिवर्मिंग होनी चाहिए, उसमें भी वैरायटी के डिवर्मर्स आते हैं मार्केट में, फिनबेंडाजोल, पेनाक्योर, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, बहुत सारे आते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हैं, बड़े जानवर में 3 ग्राम का, छोटे जानवर में 500 mg का। जैसे डॉग वॉग हैं तो इसका 1 टैबलेट पर 10 kg एनिमल के वेट के हिसाब से आता है। अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर हम रेगुलर डिवर्मर देते रहें तो ये समस्या ब्लॉट की नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जनरली गांव में ये जो मेरा अपना फील्ड
एक्सपीरियंस है 80 to 85% पीपल्स या फार्मर ने कभी भी दो दो साल तीन तीन साल से अपने जानवरों को डिवर्मर नहीं दिया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है बिकॉज बीइंग ए वेटनरी ग्रेजुएट आई नो वेरी वेल द फील्ड सिचुएशन। सो मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक में थोड़ी सी अवेयरनेस है, लोग जाने कि हम कैसे मिस उन्हें जानवर के लिए मैनेजमेंट या किन चीज़ों को हम ख्याल रखें कि ये सिचुएशन है। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि ब्लड कंडीशन में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जानवर मर भी जाता है, हमारा पशु तड़प के मर जाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। अच्छा, इमीडिएट कॉज तो उसका है कि भाई पंचर कर दीजिए, ब्लाटोसिल, ब्रोटोक्योर, एफनिल, अफारा, बहुत सारे सिरप आते हैं मार्केट में 100 ml की सीसी में, जिसको इमीडिएट ओरली सप्लीमेंट दिया जाता है। और अगर आप वहाँ जाने या उसको लाने में सक्षम नहीं है तो मैं कुछ आपको देसी नुस्खे बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप उसमें दिया जा सकता है आपके घर में सिरका, जिसको जो एक एसिटिक एसिड होता है विनेगर जिसे बोलते हैं सिरका, उसको आप डाइल्यूट करके 1 लीटर आधा लीटर जो भी है उसको पिला दें। और ये दूसरा नुस्खा, जैसे आपके घर में अजवाइन होता है तो आप एक कंडी या जिसको उपला कहते हैं, वेस्टर्न में उपला, हमारे यहाँ कंडी बोलते हैं, आप उसको सुलगा लीजिए। सुलगाने के बाद दो चुटकी अजवाइन अजवाइन जो बोलते हैं उस पर रख दीजिए। रखते ही वो धुआं उस पर से उठेगा और उस धुएँ को उसकी नाक की तरफ आप फ्लो कर दीजिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक गैस में कंट्रोल होता है। तो ये तीन मेथड हैं जो कि आपको, एक तो ओरल सप्लीमेंट, ब्लाटोक्योर या ब्लाटोसिल जो भी आपको इजीली अवेलेबल रहे मार्केट में, नेक्स्ट वन इज़ रूमेन पंक्चर, साइट पंक्चर, एंड अदर वन इज़ सिरका, विनेगर, एस्टिक एसिड, जो भी मतलब ये एक ही नाम है तीनों के, तीनों का एक ही नाम है, उसको आप पिला सकते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। और रेगुलर आप डिवर्मिंग करते रहें हर 3 महीने पे, तो ये सब गैस, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो ये जो है ये भी एक रूट है इसके, मतलब एसिड जो मतलब बॉडी में जो टिम्पेनी जो हो रही है गैस से बन रहा है। अच्छा, ये गैस क्यों बनती है, जब रूमेन का पीएच इम्बैलेंस होता है, मान लीजिए 6 to 7 के बीच में होता है, तो जब हाईली एसिडिक हो जाए या हाईली अल्कलाइन हो जाएगा तो उस कंडीशन में सब डिस्टर्बेंस होती है। ऐसी कंडीशन में हाईली अल्कलाइन में ही इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो भविष्य में हम अपने जानवरों को या अपने पशुओं को नुकसान होने से बचा सकते हैं। ख़ासतौर से जो डेयरी एनिमल हैं, जिनको जिनका अगर एक जानवर मरता है तो काफ़ी लंबा लॉस होता है, तो उस तरीके से हम उसको बचाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, और उसको बचाना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।